तो पुतिन अकेले कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। आंतरिक विद्रोह के तो बातचीत के जरिए उन्होंने शांत कर दिया, लेकिन यूक्रेन युद्ध बातचीत से नहीं बल्कि हथियारों के दम पर ही जीता जाएगा, और इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर ब्रिगेड को रणभूमि में उतार दिया है। रूस के स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल हाई अलर्ट पर रखा गया है। यार्स और सरमत जैसे विश्व विनाशक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं, तो रूसी नेवी की न्यूक्लियर जखीरे वाली उनकी सेना भी इसको भी एडवांस किया जा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में रूसी नेवी में नई सबमरीन शामिल हो रही है। क्या रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही एटमी हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है? क्या यूक्रेन की सरजमी पर पहला न्यूक्लियर प्रहार होने वाला है? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव परमाणु विस्फोट से दहलने वाली है? क्या रूसी विनाशकों के प्रकोप से यूक्रेन का कोना कोना तबाह होने वाला है? ये आशंकाएं इसलिए गहरा रही हैं क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे घातक हथियार रणभूमि में उतार दिए। 5 दिन पहले ही पुतिन ने साफ कहा कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है, और उसके बाद रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेज ने विनाशक हथियार रणभूमि में उतार दिए। पुतिन ने जिन न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी दी है वो हजारों किलोमीटर तक एटमी कोहराम मचा सकते हैं, की भी नहीं बल्कि वॉशिंगटन तक तबाही ला सकते हैं। ये है यार्स और सरमत। RS-28 सरमत मिसाइल सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। RS-24 ICBM यार्स भी कई न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दागने में सक्षम है। इस ICBM की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। ये 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। अब ये दोनों ही घातक हथियार रणभूमि में उतार दिए गए हैं। इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को एक साथ फायर किया गया तो फिर यूक्रेन यूरोप तो तबाह होगा ही, महाशक्ति अमेरिका भी पुतिन के एटमी प्रकोप से बच नहीं सकता। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं है। पुतिन ने कहा था कि 2023 में रूस के परमाणु हथियारों को एडवांस और अपग्रेड किया जाएगा, और उस मिशन को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पुतिन अब ब्लू जोन में अपना विश्व विध्वंसक परमाणु जखीरा पहले से ज्यादा बड़ा और एडवांस बना रहे हैं। रूसी नौसेना में बोरई ए क्लास की सबमरीन शामिल होने जा रही है। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है। ये सबमरीन कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। साथ ही ये सबमरीन जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकती है। इसके साथ ही येसेन एम क्लास की सबमरीन भी शामिल होने वाली है। ये भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये सबमरीन भी कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। साथ ही जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला कर सकती है। दोनों सबमरीन का जून 2022 से टेस्ट चल रहा है। दोनों के टेस्ट फाइनल फेज में है। दोनों सबमरीन का टेस्ट पूरा होते ही रूसी नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस इन सबमरीन को बाल्टिक सी फ्लीट और आर्कटिक सी फ्लीट में तैनात करने वाला है। यार्स और सरमत के साथ साथ हाइपरसोनिक हमला करने में सक्षम इन सबमरीन के तैनात होते ही पूरे यूरोप पर एटमी खतरा और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।